हेलो डियर चिल्ड्रेन, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे क से ज्ञ तक, बट इसको अलग तरीके से हमको आज पढ़ना है। यहाँ पे लिखा है मैंने ना, निम्न अक्षरों के बीच में आने वाले अक्षर को लिखिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया क से कबूतर, इसके बाद यहाँ पे स्पेस खाली, फिर ग से गमला के बाद स्पेस खाली, ओके, फिर छ से छाता, यहाँ पे क्या आएगा अक्षर वो आप लिखेंगे, छ से छाता के बाद स्पेस खाली, झ से झंडा स्पेस खाली, ओके। फिर इसके बाद क्या आता है, ट से टमाटर के बाद स्पेस खाली, ड से डमरू के बाद स्पेस खाली और स्पेस खाली। यहाँ पे आपको खुद से लिखना है कि इस अक्षर के बाद क्या आएगा, इस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, ये आपको खुद से राइट करना है। त से तरबूज स्पेस, त से दवात स्पेस एंड न से नल, यहाँ पे लिखा हमने, स्पेस खाली, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ भी आपको खुद से लिखना है। ब से बतख स्पेस और म से मछली, ये इसके बाद क्या आएगा वो आपको लिखना है खुद से। य से यज्ञ स्पेस खाली, र से लट्टू स्पेस और श से सलजम, यहाँ पे हमने लिखा। स से षटकोण स्पेस, ह से हल जग स्पेस खाली, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। यहाँ पे है निम्न अक्षरों के बीच में जो अक्षर आएगा उसको आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है ना, उसको भर देंगे आप तो क से ज्ञ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और नीचे क्या लिखना है यहाँ पे नंबर टू पे, अ से अह तक आपको खुद से राइट करना है, ठीक है ना, अ से अह तक लिखो, ओके। अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, यहाँ पे आएंगे, हम पहले लिखेंगे दो वर्ड वाले शब्द। नंबर तीन क्वेश्चन पे क्या आएगा, दो वर्ड वाले शब्द का अभ्यास कीजिए। ठीक है, दो वर्डों से बने शब्दों का अभ्यास आपको यहाँ पे करना है और आपको ये पूरा पेज बार बार रिपीट करके ये पूरा पेज आपको कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा जड़, अब इस लाइन में आपको पूरा क्या लिखना है, जड़ लिखना है, ठीक है ना, जड़ के नीचे आपको पूरे पेज पे जड़ जड़ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न और थ, तीस लाइन में भी क्या लिखेंगे, नथ लिखेंगे, पूरे पेज पे आपको नथ लिखना है। यहाँ पे हम लिखा प और ग, यहाँ पे हम लिखेंगे प ग पग, यहाँ पे हम लिखा न और ग नग हो गया, ये भी हो, यहाँ भी लिखेंगे हम नग, ठीक है। तो ये जो चार शब्द हमने लिखा है आप इन चारों शब्दों से पूरे पेज को फिल करना है, एक के नीचे एक वही वर्ड आपको लिखते जाना है, ठीक है ना। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अक्षर जोड़कर शब्द बनाइए। अब आज हम एक नया एक्सरसाइज पढ़ेंगे, अक्षर जोड़कर शब्द बनाइए। अभी तो हम लोग दो वर्ड वाले शब्द पढ़े हैं, दो अक्षर से मिलकर शब्द जो बने वो पढ़े हैं, आज हम अक्षर जोड़कर शब्द बनाएंगे। अक्षर जोड़कर शब्द बनाइए, ये कौन सा अक्षर है क, और ये कौन सा अक्षर है प, इसके बीच में हमने ये प्लस का साइन लगा दिया तो क प्लस प हो जाएगा। अब ये दोनों एक अलग अलग अक्षर है ना, क एक अलग अक्षर है,
प एक अलग अक्षर है। अब हम जब इनको एक साथ लिख देंगे तो ये दोनों अक्षर जुड़ के एक शब्द बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कप कप, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे ह प्लस ल, ये ह एक अलग अक्षर है, ल एक अलग अक्षर है। अब हम इनको अगर साथ में आप लिख देंगे दोनों को तो ये एक शब्द बन जाएगा, तो अक्षर जोड़कर ये शब्द बन गया ना, हल हो गया। यहाँ पे पहले ह था और ल था, ये अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया तो ये एक शब्द बन गया, हल हो गया। फिर हम लिखेंगे न प्लस ल बराबर क्या हो जाएगा, न और ल साथ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये हमारा शब्द बन गया, इन अक्षरों को जोड़कर हमने एक नया शब्द बना दिया, नल। ये हमारा र प्लस ठ है तो क्या हो जाएगा, साथ मिल के र थ, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे एक साथ हो जाएगा तो एक नया शब्द बन जाएगा हमारा, रथ हो जाएगा। फिर फ प्लस ल क्या हो जाएगा, साथ में फल हो जाएगा। म प्लस ग, ये बीच का प्लस यहाँ पे हट जा रहा है तो मग हो जाएगा, एक शब्द बन गया अक्षर जुड़कर। अब यहाँ पे हम लिखा थ प्लस न, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साथ जब हम यहाँ पे लिखेंगे थन हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपने एक नया एक्सरसाइज पढ़ा, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना आपने सीखा है, तो आप लोग इस एक्सरसाइज का अभ्यास करिएगा। और अभी तक मैंने आपको जो भी अभ्यास बताया है उसको आप करके स्कैन करके मैम को ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके, बाय।